जब से ही फैंस को पता चला है कि उनका फेवरेट शो सरगुण संपन्न अफेयर होने जा रहा है, वो इस न्यूज को सुनकर काफी शॉक नजर आए। तो वहीं हमने भी आपको बताया था कि ये शो 13 सितंबर को अफेयर हो सकता है और सरगुण संपन्न की जगह गुलखान का अपकमिंग शो राजमहल टेलीकास्ट होगा। तो आइए इस वीडियो के साथ हम आपको बताते हैं उन 4 वजहों के बारे में जिसकी वजह से शो फिसल गया, या यूं कहें कि इन 4 वजहों के कारण सीरियल दर्शकों की पकड़ से छूटता चला गया। नंबर 1, शुरुआत जबरदस्त लेकिन फिर भड़का प्लॉट। जी हाँ, पहली और बड़ी वजह जिसकी वजह से शो को बंद किया जा रहा है वो है सीरियल का कमजोर प्लॉट। शो अप्रैल में जब टेलीकास्ट हुआ था तब इसने फैंस के बीच काफी बज क्रिएट किया था। शो की यूनिक स्टोरी जिसमें दिखाया गया कि एक सीधी सादी परफेक्ट बहू कैसे अपने ही परिवार को बर्बाद करती है, उसने मानो अपने इस कॉन्सेप्ट से बहुत ही कम समय में सभी का दिल जीत लिया था। शो स्टार्टिंग मंथ में टीआरपी में भी जगह बनाने में कामयाब हो गया था, लेकिन इतने जबरदस्त स्टार्ट के बाद धीरे धीरे शो मानो अपने प्लॉट से भटक गया और बढ़ते एपिसोड के साथ मेकर शो की स्टोरी लाइन को अच्छे से ऑडियंस के बीच प्रेजेंट नहीं कर पाए। नंबर 2, बोल ड्रेस में नहीं जमी श्रेणु पारेख। जब तक शो में श्रेणु पारेख साड़ी पहने मांग में सिंदूर लगाए एक टिपिकल सौभाग्यवती पत्नी और बहू जामी मित्तल के किरदार में नजर आई थी, फैंस को श्रेणु का ये लुक काफी पसंद आया जिसका असर टीआरपी चार्ट में भी देखने को मिला था। लेकिन जैसे ही श्रेणु के कैरेक्टर को बेहद ही बोल्ड और वेस्टर्न लुक में पूजा के किरदार को दिखाया गया तो शो टीआरपी से तो फिसला ही, साथ ही साथ ऑडियंस को श्रेणु का ये चेंज कुछ रास नहीं आया। नंबर 3, नहीं निखर पाया श्रेणु का नेगेटिव रोल। श्रेणु पारेख के नेगेटिव रोल को मेकर्स ने जिस तरह से पेश किया वो शो के लिए सही साबित नहीं हुआ। नेगेटिव रोल में श्रेणु के कैरेक्टर को मेकर्स खलनायिका के तौर पर स्ट्रॉन्गली स्क्रीन पर दर्शा नहीं पाए जिसकी वजह से उनका किरदार ऑडियंस से कनेक्ट नहीं हो पाया। हालांकि श्रेणु चाहे पूजा का किरदार हो या फिर चांदनी का, उन्होंने अपनी एक्टिंग में अपनी जान डाल दी थी, लेकिन जिस तरह से फैंस को उम्मीद थी उतना उनका नेगेटिव रोल निखर कर सामने नहीं आ पाया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 4, जैन इमाम जैसा हिट हीरो भी नहीं हुआ ढंग से इस्तेमाल। जैन इमाम टीवी इंडस्ट्री के कामयाब एक्टर्स में से एक है और उनके लाखों फैंस हैं। नामकरण में अपनी जबरदस्त एक्टिंग से जैन ने शो में तहलका मचा दिया था। ऐसे में अगर उनके किरदार को सर्वगुण संपन्न में अच्छे से दिखाया गया होता तो उससे शो की टीआरपी और बढ़ के आती। साथ ही जिस तरह से कहानी का ट्रैक आगे जा रहा था उस हिसाब से जैन इमाम के कबीर मित्तल के किरदार पर वर्क नहीं किया गया, या यूं कहें कि एक हिट हीरो को शो में ढंग से इस्तेमाल नहीं किया गया। फिलहाल तो आपको क्या लगता है शो किस वजह से ऑडियंस को एंटरटेन करने में चूक गया? आप भी लिखिए अपनी राय कमेंट सेक्शन में।